हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थ्री का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम स्पेशल नाउन्स को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल का कुछ खास पता ही नहीं चलता है, तो वैसे केसेस में हम वर्ब कैसे यूज करें। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज इज ट्रू होगा या आर ट्रू होगा, क्योंकि न्यूज जो है ये तो प्लूरल लग रहा है, बट न्यूज सिंगुलर है प्लूरल है कैसा है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही स्पेशल नाउन्स के बारे में और उनके साथ हम वर्ब्स कैसे डालते हैं। तो जब भी हमारे पास प्लूरल नाउन्स हो विथ सिंगुलर मीनिंग, मतलब है तो वो नाउन प्लूरल लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिजिक्स जो है, जो वर्ड है बेसिकली, वो प्लूरल है बट इसका कोई सिंगुलर होता भी नहीं है, तो फिजिक्स एक तरह से एक सब्जेक्ट का ही नाम है, तो ये है, इसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। द न्यूज ऑफ हर डेथ वॉज वेरी सैड, यहाँ पे न्यूज जो है देखने में तो ये प्लूरल नाउन है बट इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ये सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो वर्ड वाइज प्लूरल दिखते हैं बट मीनिंग वाइज वो सारे सिंगुलर होते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी चीज पे जाते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लूरल नाउन है जो कि एक नाम है, तब है तो प्लूरल बट वो पूरा प्लूरल चीज एक कोई पर्टिकुलर चीज का नाम है, तो वैसे केस में भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि थ्री इडियट्स इज अ गुड मूवी, तो अब थ्री इडियट्स जो है इसको अगर आप देखें तो ये प्लूरल है बट ये जो प्लूरल नाउन है ये किसी चीज का नाम है, ये एक मूवी का नाम है, इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स covers a vast swath of North America. तो United States जो है, अब word को अगर आप देखें तो United States ए plural noun है लेकिन ये पूरा का पूरा plural noun जो है वो एक country का नाम है, right? तो एक single country की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो noun होगा वो हमारा singular form होगा, verb जो है वो उसका singular form होगा। और आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक plural noun हो लेकिन वो एक सिंगल एंटिटी है, मतलब है तो प्लूरल नाउन बट बेसिकली वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक सिंगल चीज है, तब उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे कि 5,000 इज टू मच फॉर दिस टेबल, मतलब इस टेबल का, मान लेते हैं कि दुकानदार ने बताया कि इस टेबल का जो कॉस्ट है वो है 5,000 रुपीज, तो अब आपको लग रहा है कि इस टेबल के लिए 5,000 तो बहुत ज्यादा है, 5,000 जो है ये क्या है, ये सिंगुलर तो नहीं है, मतलब बहुत सारा नंबर है, राइट? लेकिन 5,000 यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी के जैसा है, मतलब 5,000 इस एक टेबल का प्राइस है, तो 5,000 यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3/4 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट फॉर यू टू कंप्लीट, तो जो 3/4 है ये क्या है, बोलने को ये प्लूरल नाउन है लेकिन 3/4 एक सिंगल एंटिटी की तरह है यहाँ पे, मतलब पूरे काम का 3/4 हिस्सा जो है, सो 3/4 हिस्सा एक पर्टिकुलर चीज है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो अब हम कुछ स्पेशल नाउन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि डैश द थ्री मस्कीटियर्स रिटन बाय ड्यूमस, थ्री मस्कीटियर्स क्या है, थ्री मस्कीटियर्स है प्लूरल नाउन बट ये किसका नाम है, ये एक बुक का नाम है, राइट? तो इसीलिए ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो नाउन यूज होगा वो जो वर्ब यूज होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज द थ्री मस्कीटियर्स रिटन बाय ड्यूमस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिटिक्स डैश समथिंग आई डोंट लाइक, पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो देखने में प्लूरल लगता है बट मीनिंग वाइज ये सिंगुलर है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, वैसे ही पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, तो पॉलिटिक्स इज समथिंग आई डोंट लाइक। एक और एग्जाम्पल, ऑल पॉसिबल मीन्स डैश बीइंग ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मीन्स का मतलब हो गया वेज, तरीके,
राइट या इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मींस का मतलब है तरीके, मतलब हर सारे तरीके हमने ट्राई कर लिए हैं, तो ऑल पॉसिबल वेज, तो ये क्या है, ये प्लूरल है और इसका जो मीनिंग है वो भी प्लूरल है, मतलब हमने सारे तरीके ट्राई किए हैं, बहुत सारे तरीके ट्राई किए हैं। तो इस केस में जो है ये यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब का प्लूरल फॉर्म, यानी कि हम यूज करेंगे हैव। लेकिन अगर हम इसका अगला ही एग्जाम्पल देखें, जैसे कि द पुअर लेडी डैश नो मीन्स टू सर्वाइव, इस केस में जो मीन्स है इसका क्या मतलब है, इसमें मीन्स का मतलब है कि एक तरह से कह सकते हैं इनकम, वो पुअर लेडी के पास कोई इनकम नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे हैज होगा या हैव, यहाँ पे हमें मीन्स से फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे हम पुअर लेडी की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा सिंगुलर वर्ड, यानी कि द पुअर लेडी हैज नो मीन्स टू सर्वाइव। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज जाते कि भाई मीन्स है सेंटेंस में तो फिर तो प्लूरल ही होगा, बट हमेशा वर्ब को डालते वक्त ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसीलिए इस लेसन का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि जो वर्ब होता है ना वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को अगर हम एक दूसरी तरीके से लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि मीन्स ऑफ द पुअर लेडी डैश नॉट इनफ, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस केस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, मीन्स ही है, और मीन्स का यहाँ पे मतलब क्या है, इनकम, राइट। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ द पुअर लेडी क्या हो जाता, इज नॉट इनफ होता या आर नॉट इनफ, क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता मीन्स ऑफ द पुअर लेडी आर नॉट इनफ। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.